दोस्तों आपको बता दें, शम्सी ने बाबर आजम को गेंद डाली, शम्सी द्वारा लैग पर गेंद उछल गई। दोस्तों आपको बता दें, बाबर आजम ने लैब स्वीप खेलने की कोशिश की और घुटने के बल बैठ गए, लेकिन अंत में दोस्तों गेंद दस्ताने से लग गई। विकेट के पीछे डीकॉक का तेज कैच और दोस्तों उन्होंने बाबू माँ को रिव्यू के लिए भी मना लिया। शम्सी को उतनी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन दोस्तों ऑन फील्ड अंपायर के फैसले को चुनौती दी डीकॉक ने और दोस्तों उस फैसले को पलटना पड़ा अंपायर को। दोस्तों रिव्यू में देखा गया कि हल्का सा गेंद लगा था दस्ताने में और इसकी पुष्टि रिप्ले में हो गई, जिसके चलते दोस्तों बाबर आजम की पारी का अंत हुआ। और दोस्तों आपको बता दें, यही पाकिस्तान का टर्निंग पॉइंट था, जहां से दोस्तों पाकिस्तान की पारी एकदम संभल नहीं पाई। आप हमारे वीडियो में कुछ खास फुटेज देख सकते हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे, अपनी राय और कमेंट जरूर दीजिएगा। हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।